दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। पहला, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई न्यूटन। अगला देखते हैं, ये भी है, भार की एसआई मात्रा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की यूनिट केजी और वेग की यूनिट मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई अश्वशक्ति है। आगे देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^12 किलोमीटर। आगे देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई इकाई, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ओम का नियम होता है पी बराबर आई आर। आगे देखते हैं, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, प्रतिबल की माप इकाई न्यूटन पर मीटर है। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल की इकाई न्यूटन और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये तो सब जानते हैं, एम्पियर। आवेश का कूलाम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबक फ्लक्स वेबर, जो कि सही होगा डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान कार्य, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है। आगे देखते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं, पी बराबर W/T। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं है। घनत्व की इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विस्थापन की इकाई मीटर, दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। आगे देखते हैं,
विद्युत आवेश की इकाई ये हम लोग देख चुके हैं कूलम। आगे 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, इसमें पूछा अदिश राशि नहीं है जो कि बल, बल एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है, आवेश क्यू बराबर आई टी। आगे देखते हैं ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है, ध्वनि की नाप की यूनिट डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन आयतन की माप के रूप में किया जाता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। आगे देखते हैं अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष। अगला देखते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। आगे देखते हैं दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो कि सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल, इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल बराबर 1.495 × 10^11 मीटर। आगे देखते हैं बल, फोर्स की इकाई क्या है, फोर्स की इकाई न्यूटन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी इकाई सही नहीं है, इसमें पूछा कौन सी सही नहीं है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला, ये सही नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर, प्रेशर की पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्ट की सीमेंस। आगे देखते हैं विस्थापन की एसआई इकाई, विस्थापन मीटर में नापते हैं। आगे देखते हैं विभवांतर की एसआई इकाई, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट। अगला क्वेश्चन भी शक्ति का एसआई मात्रक वाट। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम, जो कि ऑप्शन डी है। अगला देखते हैं किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं प्रतिरोध।
अगला देखते हैं, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो, इसका ऑप्शन डी सही होगा, त्वरण, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण दोनों की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, ए वाला, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई एक समान है। अगला 36 देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर की इस एसआई इकाई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब की एसआई इकाई है, दाब पी बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल्कि न्यूटन क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू किसकी एसआई इकाई है, इसका आंसर होगा डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। जी का कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻¹¹। आगे देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई इकाई, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम मीटर। अगला देखते हैं, भार की एसआई इकाई, भार की एसआई इकाई बल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां नहीं हैं, बल और दबाव, किस युग्म की इकाइयां नहीं है पूछा है, बल और दबाव, बल की इकाई न्यूटन और दबाव की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और सभी की दोनों की इकाइयां एक ही हैं। आगे देखते हैं, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकंड, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। आगे देखते हैं, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल। अगला देखते हैं, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हम लोग देख चुके हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम और वेग की इकाई मीटर पर सेकंड। अगला देखते हैं, किन दो भौतिक राशियों की इकाइयां एक ही हैं, इसमें क्वेश्चन बी और डी दोनों ही सही होगा, क्योंकि बल भार और उत्क्षेप, बल भार और उत्क्षेप तीनों के ही मात्रक न्यूटन है, न्यूटन होते हैं। आगे देखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है, त्वरण की। अगला देखते हैं कि एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, शक्ति की इकाई,
पी बराबर डब्लू बाई टी, डब्लू की इकाई जूल और टी की समय। की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और बल दोनों की इकाई एसआई इकाई न्यूटन है। आगे देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। अगला देखते हैं, शक्ति की एसआई इकाई, शक्ति की एसआई इकाई वाट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज में 50 क्वेश्चन पूरे थे। अब देखते हैं प्रतिरोध एसआई इकाई, एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट विभवांतर की एसआई इकाई है, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है।